नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जय कुमार तिवारी है। मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा, रेरा में इंटीग्रेटेड कंप्लायंस मैनेजमेंट सिस्टम लागू कर दिया गया है, जिसको रेरा ने ई कोर्ट कहा है। इस ई कोर्ट में विभिन्न होम बायर्स अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। अब जो भी कंप्लेंट दर्ज हो रही हैं वो ई कोर्ट मॉड्यूल में ही दर्ज हो रही हैं और इसी मॉड्यूल में उनकी सुनवाई हो रही है। इस मॉड्यूल में शिकायतकर्ता को बार बार रेरा कोर्ट में जाना नहीं पड़ता है, केवल बहस के समय अंत में ही जाना पड़ता है और बाकी सारे कार्य इलेक्ट्रॉनिकली हो रहे हैं। काफी सुविधाजनक हो रहा है। रेरा में अब आपकी शिकायतों के निस्तारण के लिए गंभीरता से लिया जा रहा है और ये कोशिश की जा रही है कि आपको रेरा कार्यालय के चक्कर ना लगाने पड़े, कम से कम आना पड़े और सारे काम आपके इलेक्ट्रॉनिकली संपन्न हो जाएं। इससे काफी कंप्लेंट करने वाले लोगों को मदद मिली है और रेरा में इस समय जो शिकायतों का सबसे ज्यादा क्रम है, सबसे ज्यादा शिकायतों का जो सब्जेक्ट है वो ये है कि जो बिल्डर्स हैं, जो प्रमोटर्स हैं, वो रजिस्ट्रेशन करते समय जब आप उनके यहाँ कोई प्रॉपर्टी, फ्लैट या मकान बुक करते हैं, तो जितने समय में आपको पजेशन देने का वादा करते हैं उतने समय में वो देने में सफल नहीं होते 90%। रेरा ने इस बात को गंभीरता से लिया है क्योंकि जो होम बायर्स हैं उनका मेहनत का पैसा, जो प्रमोटर्स हैं वो एक अनिश्चित समय के लिए दबा के नहीं बैठ सकते हैं। जिस समय पर उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी आपको देने का वादा किया है, उस समय में अगर वो प्रॉपर्टी आपको हैंडओवर नहीं करते हैं, उसका कब्जा नहीं देते हैं, रजिस्ट्री नहीं करते हैं, तो आपकी कंप्लेंट पर रेरा सख्ती से कार्रवाई करता है। इसी क्रम में रेरा ने अभी एक सूची जारी की है नोएडा की, मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप अपने स्क्रीन पर देखिए, जिसमें बिल्डर्स की प्रॉपर्टी रेरा ने जब्त करने के लिए और उसकी नीलामी करने के लिए नोएडा अथॉरिटी को आदेश दिया है। ये प्रॉपर्टी इसलिए जब्त हो रही है कि रेरा में होम बायर्स ने जो शिकायत की थी कि उनके पजेशन समय पर नहीं मिले हैं, तो उसके लिए जो पेनल्टी लगाई गई है, उस पेनल्टी की वसूली के लिए नोएडा अथॉरिटी को कोर्ट ने आदेश दिया है कि प्रमोटर्स की प्रॉपर्टी की कुर्की करके ये पैसा वसूला जाए और होम बायर्स को दिया जाए। ये सूची आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसी क्रम में रेरा ने ट्वीट करके अपने एक संतुष्ट शिकायतकर्ता का वीडियो भी जारी किया है, वो वीडियो आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। इस वीडियो में जो शिकायतकर्ता है उन्होंने रेरा में अपनी शिकायत की थी और रेरा ने उनकी शिकायत पर गंभीरता से विचार करते हुए प्रमोटर्स के साथ डील किया और उनकी विलंब से होने वाले पजेशन की क्षतिपूर्ति के लिए जो जुर्माना था वो यथासमय उनको वापस कराया और इसी अपनी बात को शिकायतकर्ता ने इस वीडियो में आपको बताया है, आप वीडियो देखिए। नमस्ते, मेरा नाम रागिनी गुप्ता है। हम लोगों ने 2006 की बुकिंग में एक प्लॉट खरीदा था, लेकिन हमने जब खरीदा तो 2012 में था। 2012 से 2022 तक हम लोगों को उसका पोजेशन नहीं मिला, तो 2021 में अक्टूबर में हम लोगों ने बहुत ही हताश होकर और बिल्डर के बहुत ज़्यादा चक्कर लगाने के बाद हमने सोचा कि क्या किया जाए। तब हम लोगों ने यूपी रेरा की साइट पे जाके सोचा कि हम अपना केस, हम कंप्लेन रजिस्टर करें। तो हम लोगों ने रेरा कंसीलिएशन में जाके अपना केस फाइल किया था अक्टूबर में और तभी हम लोगों को एक्नॉलेजमेंट आ गया। हमें किसी की जरूरत नहीं पड़ी केस फाइल करने के लिए, हम खुद ही अपने आप में कर पाए उसको। और फरवरी के महीने में, करीबन 4 से 5 महीने में हम लोगों के पास हियरिंग के लिए कॉल आया। बहुत ही आसान तरीके से ऑनलाइन में हम लोगों का केस हियरिंग हुई, बिल्डर की तरफ से वकील आए और एक ही हियरिंग में, एंड वी आर वेरी थैंकफुल कि एक ही हियरिंग में जस्ट सीबी सिंह जी थे, हम लोगों का प्रिसाइड जो कर रहे थे, हम लोगों का सेटलमेंट हो गया। तो आज हम लोगों का फाइनल डॉक्यूमेंट साइनिंग हो गया है कॉम्पेंसेशन अमाउंट के साथ में और इस पूरे दौरान हम लोग अपने आप ही ये सब कर पाए, हमें किसी वकील की भी जरूरत नहीं पड़ी। सो वी आर वेरी थैंकफुल एंड आई रियली रिकमेंड यूपी रेरा इज अ गुड प्लेस टू बी, स्पेशली द कंसीलिएशन वे, जहाँ पे आप खुद, अगर आप भी हताश हैं तो आप अपने प्रॉपर्टी का सेटलमेंट करवा सकते हैं। इसके बाद आप देखिएगा कि एक वीडियो और ट्वीट किया है रेरा ने, रेरा के उस वीडियो को भी मैं इसके बाद दिखाऊंगा, जिसमें रेरा ने ये बताया है कि किन प्रमोटर्स को अपने प्रोजेक्ट प्रारंभ करने से पूर्व रेरा में रजिस्ट्रेशन कराना आवश्यक है और रजिस्ट्रेशन नहीं कराने पर वो प्रोजेक्ट इलीगल माने जाएंगे। अगर इस तरह के कोई प्रोजेक्ट्स आपकी नजर में भी आते हैं जिनका रेरा में रजिस्ट्रेशन नहीं है और कोई प्रमोटर उनको बिना रेरा के रजिस्ट्रेशन के बेच रहा है, तब आप उसकी शिकायत भी रेरा के पोर्टल पर जाकर कर सकते हैं। कोई भी नागरिक, चाहे उसने उस
प्रोजेक्ट में फ्लैट खरीदा हो या ना खरीदा हो, कोई भी आम नागरिक अनरजिस्टर्ड प्रोजेक्ट की शिकायत भी रेरा के पोर्टल पर कर सकता है। दोस्तों, रेरा के संबंध में डिटेल में एक हमने वीडियो पहले भी बनाया था, जिसका लिंक आई बटन में दे रहे हैं, आप देख लीजिएगा। उस वीडियो में मैंने डिटेल में बताया था तीन बातों के बारे में कि रेरा की एप्लीकेबिलिटी कहाँ है, ये किन किन प्रोजेक्ट्स पर एप्लीकेबल है, और रेरा से होम बायर्स को क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं, और यूपी रेरा इस समय यूपी में क्या क्या काम कर रहा है बिल्डर्स के हित में और होम बायर्स के हित में, दोनों के हित में क्या क्या काम कर रहा है। जो आई बटन में वीडियो है, उस वीडियो में मैंने इनके बारे में डिटेल में बताया है। आप अगर डिटेल में जानना चाहते हैं, उस वीडियो को आप देख सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो ही समाप्त होता है। अगले वीडियो में किसी महत्वपूर्ण बिंदु पर फिर चर्चा करेंगे।